Hello and welcome to my channel Construction Senses. I am Neeraj Rai. I have done civil engineering and construction management. इस चैनल पे आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी. So please subscribe to my channel and hit the bell icon. Yes, I am back with the first part of interior design and fit outs. इससे पहले भी एक वीडियो डाली है, वो इंट्रोडक्शन की वीडियो है. उसमें मैंने आपको इंटीरियर डिजाइन एंड फिट आउट का इंट्रोडक्शन दिया है, एक ओवरव्यू समझाया है. तो प्लीज उस वीडियो को आप जरूर देखें. तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो के बारे में. तो ये जो वीडियो है ये कलर्स के ऊपर होने वाली है, जो कि इंटीरियर डिजाइन का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. किसी भी इंटीरियर के लिए आपको कलर्स के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. कलर्स का भी एक अपना अलग कॉन्सेप्ट है, इनका अपना अलग बिहेवियर होता है. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कलर्स के बिहेवियर्स के बारे में, इनके इंपॉर्टेंस के बारे में, और आपको कलर का सिलेक्शन कैसे करना है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे. इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें. आई प्रॉमिस यू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो इट विल मेक यू मोर एंड मोर इजी इन द सिलेक्शन ऑफ कलर्स. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सो स्टार्टिंग विद बेसिक्स ऑफ कलर, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, सब कुछ बताऊंगा आपको. एंड एज यू नो कि कलर एक विजुअल लैंग्वेज होता है जो कि कम्युनिकेट करता है, एंड उसकी कम्युनिकेशन के लिए आपको उसके बिहेवियर का पता होना बहुत जरूरी है. आपको पता होना चाहिए कि कौन से कलर का क्या बिहेवियर. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कलर व्हील से. सो यू कैन सी दिस, ये कलर व्हील है. तो आप जब भी कोई कलर सिलेक्शन करते हैं अपने इंटीरियर के लिए, तो आप इस कलर व्हील का यूज करते हैं, और सारे कलर कॉम्बिनेशंस इस कलर व्हील से ही बनते हैं. तो मैं अब इस कलर व्हील को बाइफरकेट करूंगा. मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कलर व्हील को कैसे रीड करना है, कलर व्हील से आप कैसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं. सो प्राइमरी कलर्स वो होते हैं जो बिना किसी कलर की मिक्सिंग से बनते हैं. तो हमारे प्राइमरी कलर्स तीन हैं, रेड, ब्लू एंड येलो. कमिंग टू द सेकेंडरी कलर्स, जो आपके सेकेंडरी कलर्स हैं वो प्राइमरी कलर के मिक्सचर से बनते हैं. जब आप प्राइमरी कलर्स की मिक्सिंग करते हो तो आपको सेकेंडरी कलर मिलता है. तो जो सेकेंडरी कलर्स हैं वो है ऑरेंज, पर्पल एंड ग्रीन. तो आप सबको पता होगा कि रेड एंड येलो को मिक्स करने से ऑरेंज मिलता है, ब्लू एंड येलो को मिक्स करके ग्रीन मिलता है, रेड एंड ब्लू को मिक्स करके पर्पल मिलता है. तो नेक्स्ट है हमारा टर्शरी कलर्स. तो टर्शरी कलर्स वो हैं जो हमारे बाकी बचे हुए कलर्स हैं कलर व्हील में. तो तीन कलर्स हमारे प्राइमरी कलर्स हो गए, तीन कलर्स हमारे सेकेंडरी कलर्स हो गए, और 12 कलर्स होते हैं हमारे कलर व्हील में. तो इट मींस कि हमारे 6 कलर्स जो हैं वो टर्शरी कलर्स हैं. वो प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर को मिला के टर्शरी कलर बनता है. तो कलर व्हील को हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं. सो दिस इज द नेक्स्ट कलर व्हील. ये वही कलर व्हील है, बस इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से समझने के लिए हमने ऐसा बनाया है. तो बेसिकली आपको मैंने जैसा बताया, यहाँ लिखा है रेड, ब्लू एंड येलो आर द प्राइमरी कलर. तो हम पहले प्राइमरी देखते हैं. ये रेड है, ये ब्लू है एंड ये येलो है. ये ट्रायंगल जो बना हुआ है ये प्राइमरी कलर्स हैं, ये तीन प्राइमरी कलर्स हैं. देन ऑरेंज, पर्पल एंड ग्रीन. दिस ऑरेंज, दिस पर्पल एंड दिस ग्रीन इज द सेकेंडरी कलर. तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स हो गए. दिस इज द रेड कलर दैट इज प्राइमरी एंड दिस इज द सेकेंडरी दैट इज पर्पल. तो रेड एंड पर्पल को मिला के जो कलर बनता है वो आपका टर्शरी हो गया. तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू है एंड सेकेंडरी इज ग्रीन. तो ग्रीन एंड ब्लू को मिला के यहाँ पे डार्क ग्रीन बन गया है. सो सेम यहाँ पे येलो है प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर इज ऑरेंज. तो ऑरेंज और येलो को मिला के येलो ऑरेंज बना है, जो कि टर्शरी कलर है. सेम यहाँ पे रेड एंड ऑरेंज है, रेड एंड ऑरेंज मिला के रेड एंड ऑरेंज दैट इज अ टर्शरी कलर. तो ये अलग से हमको 6 शेड्स मिलते हैं कलर्स के, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स को मिला के बनते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कलर्स और कैसे चेंज होते हैं, और फर्दर कलर्स कैसे चेंज होते हैं. जब आप कभी भी किसी अपने घर में या कहीं भी इंटीरियर में आप अगर कलर का यूज कर रहे हैं, तो आपको एक बेसिक कलर सेलेक्ट करना है जो कि आपका एक बेस कलर होगा. एंड देन आप उसको फर्दर चेंज कर सकते हैं, उस फैमिली को ही चेंज कर सकते हैं. उसमें आपको बस न्यूट्रल से ऐड करने हैं. जैसे मैंने लिखा है ऑल यू नीड टू कंबाइन दैट कलर विद अ न्यूट्रल. तो आपको उस कलर के साथ न्यूट्रल ऐड करना है. तो अब आपको मैं बता दूं कि न्यूट्रल क्या होता है. तो बेसिकली न्यूट्रल हमारे पास तीन होते हैं, एक ब्लैक, एक ग्रे एंड व्हाइट. जो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक, ग्रे एंड व्हाइट, ये न्यूट्रल होते हैं. एंड ऑल्सो
इन इंटीरियर डिजाइन दिस इज नोन एज टिंट शेड एंड टोन। तो कलर्स में जब हम न्यूट्रल्स ऐड करते हैं तो इंटीरियर डिजाइन की लैंग्वेज में उसे टिंट शेड एंड टोन बोलते हैं। बात करते हैं हम टिंट की, तो टिंट होता है लाइटनिंग ऑफ अ कलर बाय एडिंग व्हाइट। आप किसी भी कलर में व्हाइट ऐड करते हो तो वो टिंट बनता है। देन शेड, शेड होता है डार्कनिंग ऑफ अ कलर। आप किसी भी कलर में अगर ब्लैक ऐड करते हो तो वो कलर डार्क हो जाता है, उसे हम शेड बोलते हैं। एंड टोन, टोन जो होता है वो स्लाइट डार्कनिंग ऑफ कलर होता है। जब आप किसी भी कलर में ग्रे ऐड करते हो तो वो हल्का सा डार्क होता है, उसे हम टोन बोलते हैं। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कल यहाँ पे एक पिक्चर है जिसमें दिखाया है कि न्यूट्रल है यहाँ पे ब्लैक जो कि शेड बनाता है, कलर के साथ ऐड होके शेड बनता है। ग्रे जो कि कलर के साथ ऐड होके टोन बनाता है। वाइट जो कि कलर के साथ ऐड होके टिंट बनाता है। सो यहाँ पे इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं प्योर कलर है ये। जो भी कलर आप सेलेक्ट करते हैं अपने यूज के लिए, आप उसका टिंट टोन और शेड चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश। सो इफ यू डोंट वॉन्ट टू यूज अ ह्यू कलर जो कि प्योर कलर होता है, तो आप उसको न्यूट्रल के साथ मिक्स करके एंड देन यूज कर सकते हैं। सो ये तो हमने बात कर ली चेंजिंग ऑफ कलर्स एंड बेसिक्स ऑफ कलर्स। नेक्स्ट फर्दर मैं आपको अब बताता हूँ कि कलर की स्कीम क्या होती है। एक्चुअली कलर में बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, तो आपको कलर की स्कीम पता होनी चाहिए। अगर आप अपना कलर सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आप किसी भी स्कीम को सेलेक्ट कर सकते हैं और स्कीम के अकॉर्डिंग ही आप कलर को ईजिली सेलेक्ट कर पाएंगे और कॉम्बिनेशन बना पाएंगे। तो इस स्कीम के बारे में बात करते हैं। देर आर 6 टाइप ऑफ स्कीम्स। तो यहाँ पे हम फिर से व्हील को देखते हैं, कलर व्हील को, और नीचे यहाँ पे मैंने स्कीम्स भी बताए हैं आपको। तो कलर व्हील पे मैं आपको समझाऊंगा और नीचे आपको कलर स्कीम भी दिखाऊंगा। सो पहला जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम होता है उसमें आप कोई भी एक कलर सेलेक्ट करते हैं कलर व्हील में से, एंड देन सेकेंड कलर उसका ऑपोजिट कलर होता है। सपोज आप अगर रेड कलर सेलेक्ट करते हैं तो इसका ऑपोजिट है ग्रीन, तो जस्ट इसको ऑपोजिट ग्रीन कलर आप यूज करेंगे अगर कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम यूज कर रहे हैं। सेम अगर यहाँ पे आप ब्लू यूज करते हैं तो इसका ऑपोजिट है ऑरेंज। तो ये कलर व्हील उसके अकॉर्डिंग ही बनाया हुआ है, इट इज मेड विद अ प्रॉपर रिसर्च एंड स्टडी। देन सेकेंड इज अ स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। तो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम थोड़ा ज्यादा बेटर होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम से, क्योंकि इसमें तीन कलर्स आ जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री में दो कलर्स थे, इसमें तीन हो जाते हैं। एंड एक्चुअली अगर आपको कंट्रास्ट कलर नहीं यूज करना है तो आप स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक कलर के दो शेड्स मिलते हैं। लेट सपोज कि आपने कोई कलर सेलेक्ट किया दैट इज अ प्राइमरी कलर दैट इज रेड, तो आपको इसका ऑपोजिट कलर देखना है दैट इज ग्रीन, और इसके ऑपोजिट के दोनों साइड जो एडजेसेंट कलर्स हैं आप वो सेलेक्ट करेंगे स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में। तो आपका जो पैटर्न बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यहां से ये और यहां से ये। सो यू कैन सी दिस पिक्चर, एंड ऊपर वाली पिक्चर में आपने कॉम्प्लीमेंट्री का स्कीम देखा है दैट इज रेड टू ग्रीन, ऑल्सो ब्लू टू ऑरेंज। नेक्स्ट इज एनालॉग कलर स्कीम। तो एनालॉग कलर स्कीम इसका नाम इसके अकॉर्डिंग है। आपने वॉच देखी होगी, एनालॉग वॉच वो जिस तरीके से मूव करती है उसी तरीके से इस व्हील में भी आपको तीन कलर सेलेक्ट करने हैं। आप कोई भी तीन कलर सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन वो एडजेसेंट होने चाहिए। इफ यू आर सेलेक्टिंग प्राइमरी कलर ब्लू, आप इस व्हील में देखें ये प्राइमरी कलर ब्लू है, आप अगर ये सेलेक्ट करते हैं तो इसके एडजेसेंट जो डार्क ग्रीन होगा टर्शरी एंड जो नॉर्मल ग्रीन होगा सेकेंडरी, ये तीन कलर्स का आपका एनालॉग कलर स्कीम होगी। तो इस तरीके से आप तीन कलर्स के कॉम्बिनेशन लेंगे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये डॉट्स है जो कि ये ग्रीन एंड लाइट ग्रीन एंड येलो का कॉम्बिनेशन है, तो ये तीन हो गए एनालॉग। कोई भी तीन आपके एनालॉग हो सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज अ ट्राइएडिक कलर स्कीम। ट्राइएडिक कलर स्कीम में आपको एक ट्रायंगल फॉर्म करना है, इस ट्रायंगल को आपको इक्वली फॉर्म करना है, आपको इसके बीच में जो गैप छोड़ने हैं वो इक्वल छोड़ने हैं। लेट सपोज यू आर सेलेक्टिंग अ कलर दैट इज ऑरेंज जो कि एक सेकेंडरी कलर है, तो आप इसके साथ सेकेंड एक और सेकेंडरी कलर सेलेक्ट करेंगे दैट इज पर्पल, एंड देन थर्ड कलर इज अ ग्रीन दैट इज ऑल्सो अ सेकेंडरी कलर। तो आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट बात पता लगी होगी कि इसमें या तो आप सेकेंडरी का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं या तो आप प्राइमरी का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं।
अगर आप प्राइमरी रेड सेलेक्ट करते हैं तो आपका येलो एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन बनता है। आप रेड ऑरेंज टर्शरी सेलेक्ट करते हैं तो इसके साथ आपका येलो ग्रीन टर्शरी और इंडिगो का कॉम्बिनेशन बनता है, तो दिस विल फॉर्म अ ट्रायंगल। तो आपको एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें हर एक कलर्स के बाद तीन कॉम्बिनेशंस को छोड़ना है। लाइक इफ यू आर सेलेक्टिंग वन कलर देन यू हैव टू लीव 1, 2 एंड 3। इसी तरीके से आपको ट्रायडिक कलर स्कीम बनानी है, तो आप इनमें से कोई भी कलर स्कीम यूज कर सकते हैं। देन फोर्थ वन इज अ टेट्राडिक और रेक्टेंगल कलर स्कीम। इसमें आपको एक रेक्टेंगल फॉर्म करना है, जैसा आपको नाम से पता लग रहा है। तो आपको रेक्टेंगल इस तरीके से फॉर्म करना है कि उसकी लेंथ के बीच में आपको तीन कलर्स छोड़ने हैं और उसकी विड्थ के बीच में एक कलर छोड़ना है। इट विल बी इधर 2 प्राइमरी 2 सेकेंडरी या फिर 4 टर्शरी। आप ऐसा ही कॉम्बिनेशन इसमें बना पाएंगे, आप इसको देख सकते हैं, यू कैन वेरीफाई इट। तो आप रेड कलर सेलेक्ट करते हैं जो कि एक प्राइमरी कलर है, तो प्राइमरी से आप नेक्स्ट प्राइमरी एक और सेलेक्ट करते हैं जो कि येलो है, तो यहाँ एक लाइन आ गई। देन इस येलो से आप ग्रीन पे जाते हैं जो कि सेकेंडरी है। देन इस सेकेंडरी से आप एक और सेकेंडरी पे जाते हैं जो कि पर्पल है, और इस पर्पल से आप रेड पे वापस जाते हैं। तो दिस इज अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है जिसमें कि 2 प्राइमरी और 2 सेकेंडरी आ रहे हैं। और सेम ऐसे ही अगर आप ये टर्शरी सेलेक्ट करते हैं जो कि ऑरेंज और रेड का शेड है, तो आप अगर इसको सेलेक्ट करते हैं तो आप यहां से नेक्स्ट टर्शरी पे जाएंगे, दैट इज अ इंडिगो, और यहां से आप नेक्स्ट टर्शरी पे जाएंगे, दैट इज अ डार्क ग्रीन, और यहां से आप नेक्स्ट टर्शरी पे जाएंगे, दैट इज येलो ऑरेंज। तो यहां से एक रेक्टेंगल बनता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज अ स्क्वायर कलर स्कीम। तो स्क्वायर कलर स्कीम में कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह है। बस आपको रेक्टेंगल में विड्थ और लेंथ को मेंटेन करना था। इसमें आपको चारों साइड्स इक्वल रखनी है। अगर आपको चारों साइड्स इक्वल रखनी है तो आपको पता है कि आपको इक्वल स्पेस छोड़ना है। सो इफ यू आर सेलेक्टिंग प्राइमरी, इस रेड से आपको नेक्स्ट टर्शरी पे जाना है एक लाइन, देन यहां से आपको दोबारा सेकेंडरी पे जाना है, देन यहां से आपको दोबारा टर्शरी पे जाना है। तो इसमें आपको कॉम्बिनेशन प्राइमरी सेकेंडरी और दो टर्शरी का बनेगा। यू हैव टू सेलेक्ट 4 कलर्स जिसमें से एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और 2 टर्शरी कलर्स होंगे, देन ओनली यू कैन फॉर्म अ स्क्वायर। तो ये जो हमने बात की स्कीम्स की, ये सारी स्कीम्स आप अपने इंटीरियर के लिए यूज कर सकते हैं। इनमें से कोई भी स्कीम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, देन उसको यूज कर सकते हैं। ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इसमें आप न्यूट्रल को ऐड करके उसके शेड और टोन और टिंट में चेंज कर सकते हैं। आई विल शो यू द पिक्चर। सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ कलर स्कीम। इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री समझ आ गया, ऑपोजिट होता है, एनालॉग आपको समझ आ गया, जो तीनों एक साथ आपको लेने होते हैं। ट्रायडिक भी पता लग गया है जिसमें आपको ट्रायंगल फॉर्म करना होता है। देन स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री आपको पता लगा, कोई भी एक कलर आप सेलेक्ट करते हैं उसके ऑपोजिट के एडजेसेंट के दोनों को लेना होता है। देन रेक्टेंगल, आपको रेक्टेंगल फॉर्म करना है। स्क्वायर, आपको एक स्क्वायर फॉर्म करना है, इक्वल स्पेस को छोड़ना है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द बिहेवियर्स ऑफ द कलर। बिहेवियर ऑफ अ कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कोई भी कलर आप यूज करते हैं तो उसका एक अलग बिहेवियर होता है, उसका एक अलग इफेक्ट होता है। सो यू कांट यूज एनी ऑफ द कलर, यू शुड अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली, एंड बिफोर सेलेक्टिंग योर कलर, बिफोर मेकिंग अ चॉइस, यू शुड अंडरस्टैंड द बिहेवियर एंड ऑल्सो द साइकोलॉजी बिहाइंड द कलर्स। पहला कलर हमने लिया है रेड, इट इज अ कंट्रास्ट कलर जो कि कंट्रास्ट क्रिएट करता है, एंड मेजरली आप इसको उस जगह पे यूज कर सकते हैं जहां पे आपको फोकस पॉइंट बनाना है, जहां पे आप चाहते हैं कि लोगों का फोकस जाए। ऑल्सो इट कॉज एक्साइटमेंट बट लीड टू डिस्टर्बेंस इन स्लीप। येस इट इज वेरी ट्रू, बिकॉज रेड जो प्रॉपर रेड कलर होता है वो आपकी आंखों में चुभता है, तो आपको नींद आने में बहुत दिक्कत होती है। सो आप लोगों ने देखा होगा, आपने नोट किया होगा कैसीनोज में एंड पब्स में और ऐसी जगहों पे जहां पे दे वांट कि आपको नींद ना आए, दे वांट कि आप लेजी ना फील करें, वहां पे मोस्टली रेड कलर्स का यूज करते हैं। सो आई विल सजेस्ट यू यूज इट, इट इज अ गुड कलर, इट इज अ कंट्रास्ट कलर, बट ऑल्सो इन अ स्मॉल डोज। आप कहीं पे भी यूज करें तो स्मॉल डोज में यूज करें रेड का। Then coming to the next, that is a blue color, very beautiful color, and this color gives you a cold feeling. So this will be a good color for your bedroom and bathroom, because these places are used for relaxing purpose. So आप इस color का use कर सकते हैं अपने bedroom और bathroom में। Mainly इसको आप walls पे और ceilings पे use करें, flooring पे ना use करें, और because ये एक sky effect देता है।
So nobody wants to feel sky on the floor. So next is the yellow color. So it is a warm color. ये एक temperature create करता है. It gives you a summer feeling. It gives you a hot feeling. Also it is an uplifting and welcoming color. It is a very welcoming color. You can use it in an entrance area. आप अपने entrance lobby में use कर सकते. Then moving to our next, that is green. So green is a very relaxing and very refreshing color, and it's great option for bedroom. Although it will look wonderful in kitchen also, because it gives you freshness and refreshing effect. तो आप green का use कर सकते हैं अपने bedroom में भी, अपने kitchen में भी. Next is the orange color. It is an energetic color, it which can be used in your living area, and it create atmosphere of curiosity. It create energy in your atmosphere, and living area needs this, so you can use this color. So next is the purple color. So it is a rich color, and it give you a rich effect and also a sophisticated look. Purple color actually बहुत ही पुराना color है interior colors में, जो कि बहुत ज़्यादा use किया जाता है. And also ये modern color भी है. This is all about the behavior of the color. Hopefully आपको ये behavior समझ आया होगा, और इस behavior को समझने के बाद ही आप अपने color का selection करें, और color का selection करने के बाद आप उसकी scheme को select करें, और scheme selection के बाद आप उस color को shade या tint या tone में convert कर सकते हैं, and then उसको use कर सकते हैं. So this is a type of shades, this is a type of color, and these are the names. And इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं. Thanks for watching the video. Please like, share and subscribe to my channel for more updates on construction.